नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागी लाल न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि सहोता को काशीपुर आए हुए हो चुके हैं 10 साल। स्टाफ के साथ कुछ खास तरीके से मनाया आज का दिन। जी आपको बता दें, काशीपुर की मुरादाबाद रोड स्थित जाने माने अस्पताल सहोता हॉस्पिटल के संचालक और क्षेत्र के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि सहोता को आज काशीपुर आए हुए तथा काशीपुर को सेवाएं देते हुए 10 साल हो चुके हैं, जिसके चलते आज उनके स्टाफ द्वारा इस दिन को धूमधाम से मनाया गया तथा डॉक्टर रवि सहोता ने भी इस दौरान मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उन्हें खुशी है कि काशीपुर ही नहीं बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों से उनके पास विश्वास करके लोग अपने बच्चों को दिखाने आते हैं। ये डॉक्टर मरीजों के परिजनों के बीच का संबंध जिससे और सेवा भाव और पूरे अस्पताल के स्टाफ द्वारा किए जा रहे परिश्रम की ही देन है। अब नजर डालते हैं काशीपुर के दिनभर की अन्य खबरों पर। कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के फांसी लगाने की मिली सूचना। काशीपुर कोतवाली में आया एक धोखाधड़ी का मामला। काशीपुर केवीआर हॉस्पिटल ने आयोजित किया निशुल्क चिकित्सा शिविर। राधेरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में लगे वी वांट जस्टिस के नारे। जीरी गोइंग का काशीपुर के बच्चों ने लेडी डॉक्टर के साथ हुए अन्याय के लिए निकाली विरोध रैली। अब खबर काशीपुर वासियों और उत्तराखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारत को आज़ादी दिलाने में, स्वतंत्र करने में जो भी वीर शहीद हुए हैं उन सभी को मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सनातन धर्म हिंदू त्यौहार में जो हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधें और उनके कल्याण की काम। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं काशीपुर वासियों को राम साड़ी स्टोर और अपने पूरे परिवार की तरफ से बधाई देता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काशीपुर का माहौल बहुत ही अच्छा और सौहार्दपूर्ण रहता है, ऐसा हमने अक्सर देखा है। और हमारा प्रतिष्ठान राम साड़ी स्टोर भी काफ़ी पुराना है, आप लोग यहाँ आएँ और हमारा उत्साहवर्धन करें। इस 15 अगस्त और रक्षाबंधन के त्यौहार पे मेरी ओर से सभी काशीपुरवासियों को बहुत बहुत बधाई। इस रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर मैं अपनी बहनों से ये कहूँगा कि वो अपने कुछ खास उपहार अपने भाइयों की तरफ से खरीदें रक्षाबंधन पे। और आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ जो सीमा पर हमारे जवान चौकसी करते हैं उन्हें भी मैं बधाई देता हूँ कि वो ऐसे ही डटे रहें और हमारे देश की रक्षा। उन भारत माँ के वीरों की तो बात ही बड़ी निराली है, उनके बलिदानों ने दी हम सबको ये खुशहाली है। नमस्कार, काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अजय कुमार टंडन एवं संचालकों की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस ये प्रण लें कि इस भारत वर्ष की गरिमा को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही आप सभी को भाई बहनों के पर्व रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। नमन उन वीरों को मेरा, ये सदा तुम जान लो, स्वतंत्र देश के वासियों अपने कर्तव्य को पहचान लो, अपने कर्तव्य को पहचान लो। नमस्कार, मैं अलका पाल, मैं अपनी ओर से आप सभी को पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग अपने देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का ईमानदारी से और पूरे निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। धन्यवाद। काशीपुर का मुरादाबाद रोड स्थित काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक बीते कई वर्षों से काशीपुर में अपनी सेवाएं दे रहा है। वहीं बात करें काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक द्वारा कोरोना काल में भी बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं दी गयी और कई जिंदगियों को बचाया गया। आपको बता दें यहाँ 24/7 सर्विस अवेलेबल है, साथ ही कोई भी दाता किसी भी वक्त जाकर वहाँ ब्लड डोनेट यानी कि रक्तदान कर सकता है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टेक्निकल सुपरवाइजर वीर सिंह, टेक्नोलॉजिस्ट शुभम, एलटी अजीम, एलटी मुकेश कुमार, जीएनएम शिल्पा, जीएनएम मनीषा, एटीडी मनोज, एटीडी लक्ष्मण एवं समस्त काशी ब्लड बैंक परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। रक्तदान करें, किसी को जीवन दान दें। मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह गोरा, चेयरमैन प्राइम हॉस्पिटल रामनगर रोड काशीपुर, आज हमारे स्वतंत्रता दिवस पे मैं आप सबको जो है हार्दिक बधाई देता हूँ। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं और
इसको पाने के लिए हमारे लोगों ने अपनी बहुत सारी जो है बलिदान दिया था, उसके बाद हमें ये नसीब हुआ है। उन जिन लोगों ने भी बलिदान दिया था उन लोगों को मेरी तरफ से राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपने देश में अपने इसमें एक जोश, एक एंथुजियाज, एक एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट और भावशीलता की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें भी उसमें विवेक है, धैर्य है, दूरदर्शिता भी दिखानी पड़ती है। हम सब लोग एक देश के इकाई हैं और जब भी किसी देश को किसी चीज की जरूरत पड़ती है हमें उसको पूर्ति करने के लिए अपने जीवन निर्वाह करना चाहिए। यही हमारा देश प्रेम है, यही हमारा देशभक्ति है, यही देश हमारा देश निर्माण। आप सब जय हिंद और आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व में प्राइम हॉस्टल की तरफ से आप सबको भी शुभकामनाएं और मुबारक। मैं डॉक्टर नवप्रीत सहोता कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट सहोता हॉस्पिटल अपने पूरे सहोता हॉस्पिटल के स्टाफ और कंसल्टेंट की ओर से सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और आने वाले दिनों में रक्षाबंधन की भी हमारी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पूजा बेस काशीपुर के सभी क्षेत्रवासियों को आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एंड रक्षाबंधन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे वेदांता परिवार की। आइए मिलकर हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें जिनके कारण हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं और एक अच्छी जीवन यापन कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेरे सहोता परिवार की तरफ से आप नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ एक मनोकामना भी है कि आपका शरीर बीमारियों से आजाद रहे। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों को सभी भाई बहनों को एक मेरी तरफ से सहोता परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के अवसर पर स्मरण करो उन वीरों को धरती पर बलिदान हुए जो भारत के रणधीरों। मैं दिलीप मेहरुखा भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत समिति काशीपुर का संयोजक, मैं अपने समस्त काशीपुर वासियों को क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग इस पर्व को खूब उल्लास से आनंद से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखे। अनेकों शुभकामनाओं के साथ समस्त काशीपुर की देश की एवं भारतवर्ष की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं भाई बहन के पवित्र प्रेम के त्यौहार रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं प्रियंका अग्रवाल अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आप सभी देशवासियों प्रदेशवासियों क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आने वाले रक्षाबंधन की भी बधाइयां आपको देती हूँ। साथ में भाई बहनों में प्रेम यूं ही बना। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त पे हमारे सीएम उत्तराखंड के सीएम श्री धामी जी ने हर घर तिरंगा के लिए आह्वान किया है। हमारे यहाँ एक से एक अच्छे तिरंगे उपलब्ध हैं और बहुत सही रूटों पर उपलब्ध है और हमारा 62 साल पुराना प्रतिष्ठान आर्य पुस्तक भंडार आपका हमेशा स्वागत करता है। हमारे यहाँ धार्मिक पुस्तकों के अलावा हमने एक राखी की एक बड़ी अच्छी योजना लाए है जो कि ऐसी योजना है मात्र 100 रुपए दर्जन में 12 राखी। जो राखी बाजार में कोई 20 की बिक रही है कोई 30 की बिक रही है हमारे यहाँ 100 रुपए दर्जन में उपलब्ध है और जो राखी 50 या 60 रुपए की बिक रही है हमारे यहाँ वो 200 रुपए दर्जन में उपलब्ध है। उसके अलावा हमारे यहाँ एक से बढ़िया रजिस्टर कंपनियों के ब्रांडेड जिसपे हम 25% डिस्काउंट समस्त ग्राहकों को दे रहे हैं और 12 महीने हमारे यहाँ डिस्काउंट रहता है। आप आइए एक बार सेवा का अवसर दीजिए और एडवांस में आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुनील टंडन अध्यक्ष देवभूमि व्यापार मंडल, मैं देवभूमि व्यापार मंडल के सभी सदस्यों की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सभी व्यापारी भाई को देता हूं। धन्यवाद। चल दिया खुद ही कि अब माँ ने पुकारा है मुझे, वो रो रही जिसने कभी बचपन दुलारा है मुझे। माँ रो नहीं, मैं हूँ खड़ा रक्षा में तेरी आज भी, ये देह रहना पाई तो है आत्मा भी दी तुझे, है आत्मा भी दी तुझे। आप सभी क्षेत्रवासियों को इंदर होंडा के संपूर्ण परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज उन वीरों को श्रद्धांजलि दें जिनके कारण हमें स्वतंत्र आकाश के नीचे रहने का अवसर मिला है। साथ ही आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं।
ये रक्षाबंधन आपके जीवन एवं रिश्तों में मजबूती लाए। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला रीवा पुत्री तेजवीर सिंह निवासी आवास विकास काशीपुर द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है, जिस पर उप निरीक्षक मनोज जोशी अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां मृतका रीवा कश्यप घर में पाई गई। इसके बाद घटनास्थल निरीक्षण में महिला का सुसाइड नोट भी मिला। परिजनों द्वारा बताया गया कि मानसिक तनाव में अक्सर रीवा रहा करती थी। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी हाउस भिजवा दिया गया है, पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात मोबाइल द्वारा वादी को कॉल कर धोखाधड़ी से चेक के माध्यम से 2,30,000 रुपए हड़प लेने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें सतनाम सिंह पुत्र मंजीत सिंह निवासी मानपुर फिरोजपुर द्वारा काशीपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मामले से अवगत कराया गया था, जिसके विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परम आभूषण भंडार पुरानी सब्जी मंडी काशीपुर की तरफ से आप सभी को, मैं अभिषेक गोयल भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष, स्वतंत्रवे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और आप सभी से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा, उसके तहत आप सभी अपने घर पर तिरंगा लगाएं और इस 77वें जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है इसे सौहार्दपूर्ण बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमालयन फूड पार्क परिवार की ओर से अश्विनी छाबड़ा, कुमाऊं प्रभारी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं व आगामी आने वाले दिन में रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मंगल भविष्य के लिए कामना करते हुए सभी को बधाइयां देता हूँ। मैं जितेंद्र सरस्वती, उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस और आने वाले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। परमपिता ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि पूरे देश के अंदर खुशहाली, आपसी भाईचारा और प्रेम बना रहे। रक्षाबंधन का पर्व देश की महिलाओं के लिए समर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीढ़ियां अपनी बहनों के मान सम्मान के लिए इस रक्षाबंधन के पर्व पर संकल्प लेंगे। 15 अगस्त के अवसर पर मैं सभी काशीपुर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। मैं रवि कुमार प्रजापति, नी वर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 40 से, आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं और आने वाले रक्षाबंधन पर सभी भाई और बहनों को रक्षाबंधन की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो पूरे भारत को, पूरे राष्ट्र को अपने सबसे पहले अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं ये स्वतंत्रता दिवस जो है हमारे देश के लिए एक नया आयाम लिखे और भारत का नाम पूरे विश्व के पटल पर पहचाना जाए। सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के वासियों को, काशीपुर के वासियों को और पूरे देश के राष्ट्र प्रेमियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं सभी देशवासियों को, सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, मेरी जितनी बहनें हैं भारत के अंदर, सबको प्यारी प्यारी मुबारकबाद और सबको रक्षाबंधन की मुबारकबाद। जिसका भाई ना हो वो मेरे घर पर आकर राखी बांधे, मैं उसको गिफ्ट के साथ उसको वापस करूंगा और भविष्य में तय करूंगा उस बहन की मेरी जिम्मेदारी होगी। सभी को मेरी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हमारे लिए, सारी जनता के लिए, देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों के लिए खुशियों का दिन। बड़े लंबे समय के बाद गुलामी से बाहर आकर आज़ादी इंजॉय करना मिला, इसलिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, साथियों को, सहयोगियों को, सबको आने वाले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की तहे दिल से बधाई देता हूँ। मैं अर्पित मेहरोत्रा, मेहरोत्रा एंटरप्राइजेस हीरो परिवार की ओर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत अलग शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये देश को जिन भी हमारे सोल्जर्स ने बड़े अपने परिश्रम से बलिदान देके जो हमें आज आज़ादी दिलाई है, उन सब परिवारों के साथ मैं चाहता हूँ हम सब लोग मिलके इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं, साथ ही साथ आने आने वाली रक्षाबंधन पे आप सब लोगों को अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिनके बलिदानों के कारण खुली हवा में जीते हैं, चलो उन्हीं वीरों को हम सब याद जरा कर लेते हैं।
नमस्कार, आप सभी क्षेत्रवासियों को भारत बूट हाउस की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही रक्षाबंधन के पावन पर्व की भी आप सभी को बधाई। रक्षाबंधन सभी भाई बहनों का बंधन और भी मजबूत बने। धन्यवाद। है नमन उन वीरों को मेरा सदा ये जान लो, गणतंत्र देश के वासियों कर्तव्य को पहचान लो। नमस्कार, फर्स्ट क्राई के पूरे परिवार की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए उन वीरों को नमन करें जिनके कारण हम स्वतंत्र देश में रह पा रहे हैं। साथ ही रक्षाबंधन के पावन त्योहार की भी आप सभी को शुभकामनाएं। इस रक्षाबंधन फर्स्ट क्राई के साथ अपने बच्चों को दे विशेष उपहार और उनके त्योहार को बनाए और भी खास। धन्यवाद। समस्त काशीपुर वासियों को कुमार फर्नीचर्स की ओर से 70वें स्वतंत्रता दिवस की एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजीव चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टर और उत्तराखंड वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन का महासचिव होने के नाते अपनी प्रदेश की उत्तराखंड की जनता को और काशीपुर निवासियों को, क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम इस वातावरण में जिसमें आज़ादी, जिसे हमने अब से 15 अगस्त 1947 को जो हमारे पूरे देश को प्राप्त हुई थी, उसमें आज हम खुली सांस से और खुले विचार से और जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है उसके अनुसार हम आज बोल पा रहे हैं। उसकी आज़ादी के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो प्रयास किया था उन्हीं को याद करते हुए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और समस्त देश की जनता को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित केवीआर अस्पताल और निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 4 मुनेश देवी द्वारा संयुक्त रूप से काशीपुर बाजपुर रोड स्थित निःशुल्क नेत्र तथा रेटिना जांच शिविर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में आयोजित किया गया। इस दौरान मौजूद हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा बताया गया कि लगभग 160 लोगों द्वारा अपनी जांचें करवाई गयी। अस्पताल से मौजूद स्टाफ में अनुज अग्रवाल, आना सोफिया, रेशु, सोनी और चंचल मौजूद रहे। आज काशीपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बाजपुर रोड स्थित राधे हरिस्नातकोत्तर विद्यालय परिसर में वी वांट जस्टिस के नारे के साथ प्रोटेस्ट किया गया। आपको बता दें, इस प्रोटेस्ट का मुख्य उद्देश्य वेस्ट बंगाल में हुई डॉक्टर के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना के विरोध में आवाज उठाना था। साथ ही डॉक्टर को न्याय दिलाने के मकसद से आज सभी छात्रों ने बढ़ चढ़ कर इस यात्रा में भाग लिया।
पब्लिक स्कूल काशीपुर के बच्चों ने कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ हुए उत्पीड़न के खिलाफ विरोध में रैली निकाली। विद्यालय की को एमडी ऋषिता सक्सेना अग्रवाल का मानना है कि बच्चों को जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा और अनैतिकता के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। विद्यालय की प्रधानाचार्य मधुमिता बनर्जी ने बताया कि इस विरोध रैली का उद्देश्य महिलाओं के साथ हुए जघन्य अत्याचारों का विरोध करना है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। विद्यालय के डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि लड़कियों की सुरक्षा पर ही देश का भविष्य निर्भर है। वहीं इस विरोध रैली में शिक्षक और बच्चे ही नहीं विद्यालय की प्रधानाचार्य डायरेक्टर काउंसलर कोऑर्डिनेटर्स एवं सभी शैक्षिक और अशैक्षिक सदस्य उपस्थित थे। सभी ने डॉक्टर के प्रति अपनी संवेदना अभिव्यक्त की। बात चल रही है उसी के चलते जो है यहाँ पर ही आज स्कूली बच्चों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे सुरागी लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।